हेलो फ्रेंड, अगर आप जरोदा में ट्रेडिंग करने के लिए एक अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको उसका वेरिफिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप में से किसी ने भी जरोदा का अकाउंट बनाया होगा तो आपको पता होगा थोड़ा सा टफ होता है अकाउंट बनाना, क्योंकि सारी डिटेल देनी पड़ती है, बैंक का स्टेटमेंट, अपने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और सभी चीज़ें वेरीफाई होने के बाद लास्ट में आपसे वेरिफिकेशन मांगा जाता है और कई लोग वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनका अकाउंट बीच में ही पेंडिंग रह जाता है। जब तक आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड अपने ईमेल पे नहीं मिल पाता। तो चलिए जानते हैं कि हम किस तरह से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं वेरिफिकेशन के पेज पर पहुँच जाता हूँ। मैं सबसे पहले इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लिया है मैंने, यहाँ पर मैं इसकी वेबसाइट को पेस्ट कर दूँगा, signup.zerodha.com/ipb। इन पर्सन वेरिफिकेशन ज़्यादातर लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, सिंपल इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल लूँगा और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट इस पर क्लिक कर लूँगा। कई लोगों का कैमरा ओपन नहीं होता है, सिर्फ उसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको अपना अकाउंट दिखा दूँगा। मैंने इसका वेरिफिकेशन ईजिली कर लिया था, सिर्फ दूसरे बार में ही मैंने ट्राई किया और मेरा कम्प्लीट हो गया था। गूगल क्रोम से ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है और इसकी सेटिंग में अगर आप इसकी परमिशन को भी ऑन कर देते हैं तब भी ये वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वेबकैम आईपीवी ऐसा पेज आ जाएगा 2201। ये मुझे लिख के और इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाना है तो मैं अलाउ कर दूंगा। ये देखता हूँ यहाँ पे अनेबल टू एक्सेस वेबकैम, प्लीज रिस्टार्ट द ब्राउजर एंड ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पे मैं कैमरे को ओपन नहीं कर पा रहा हूँ और ये मैंने पहले भी ट्राई करके देख लिया, ये यहाँ से जल्दी ओपन नहीं होता है। सेटिंग में भी जाके मैंने इसकी परमिशन ऑलरेडी दे रखी थी लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। तो अभी आपको वेरिफिकेशन करना कैसे है अब उसके बारे में जानते हैं। आप यहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि आप यहाँ से वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए बार बार ये एरर आ जा रहा है तो यहाँ से आप सीधे बैक हो जाइए। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कर लूँगा। मैंने अपना वेरिफिकेशन यहीं से किया है। मैं एक बार आपको उसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है। फ्रेंड्स, ये रहा आपका ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र। इसको डाउनलोड करने के बाद आप सेम प्रोसेस से यहाँ से अपना वेरिफिकेशन करेंगे। इसको कहीं एक्स्ट्रा परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और वेरिफिकेशन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको लॉगिन करने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए signup.zerodha.com/ipb, आपको यही लगाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एप्लीकेशन, जो मैंने उसकी वेबसाइट, जो मैंने इसका अकाउंट बनाया और उसका वेरिफिकेशन किया था। देख लीजिए यहाँ पे सामने एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए जरोदा, और सिर्फ आप एक ही बार ट्राई करके वहाँ से अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं आपको इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था तो ये सिक्योरिटी रीजन से मोज़िला फायरफॉक्स में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग साफ़ नहीं आई, वो सीधे पूरी की पूरी स्क्रीन वहाँ पर ब्लैक हो गई थी। तो इसलिए मैंने वहाँ पर जितने भी रिकॉर्डिंग की थी वो एक भी रिकॉर्डिंग नहीं आई है। तो इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।